हेलो दोस्तों, मेरा नाम नदीम और आप देख रहे हैं मोबाइल डेट। आज हम बात करेंगे रेडमी नोट 4, एमआई नोट 4। इसका मॉडल नंबर 2016100 है इसका मॉडल नंबर। इसके अंदर गूगल अकाउंट लगा हुआ है, तो इसे गूगल अकाउंट बाईपास कैसे करना है। अगर आप मोबाइल फॉर्मेट करते हैं उसके बाद आपका गूगल अकाउंट अगर आप भूल जाते हैं तो गूगल अकाउंट लॉक हो जाता है। तो आप सबसे पहले आपके मोबाइल को हॉटस्पॉट या वाईफाई या फिर आपके मोबाइल के अंदर सिम कार्ड के अंदर नेट अवेलेबल है तो ओके, नहीं तो आप मोबाइल अपने मोबाइल को वाईफाई या हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर ले। और यहाँ पर आप कंट्री वगैरह सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप नेक्स्ट 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 कर देना है। यहाँ पर अदर वाईफाई पे आपको किसी भी वाईफाई पे आपको टैप कर देना है और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देना है। शो शो द पासवर्ड आइकन पे टैप कर देना है। यहाँ पर लॉन्ग टैप करना है। लॉन्ग टैप करते से फिर आप सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर लॉन्ग टैप करना है, सेलेक्ट ऑल पे टैप करना है। और यहाँ पर जो शेयर का ऑप्शन आ रहा है, जो ये एरो, उस पर टैप करना है। यहाँ पर ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर जीमेल जो दिखता है, आपको जीमेल जो दिख रहा है उस पर लॉन्ग टैप करके रखना है। लॉन्ग टैप करके रखना है। लॉन्ग टैप करने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाना है। नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐप सेटिंग पे जाना है। ऐप सेटिंग पे जाने के बाद आप हेल्प एंड फीडबैक पे जाना है। यहाँ पर आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर थ्री डॉट, वहाँ पर आपको टैप करना है। थ्री डॉट पे आपको टैप करना है। यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक पे टैप करना है। यहाँ पर सर्च में आपको देखिए, यहाँ पर यूज़ मोड सोर्स कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर जो फर्स्ट में यूज़ मोड कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको टैप करना है। ओके, यहाँ पर आप टैप बैक कर लेता हूँ। वापस से थ्री डॉट पे टैप करता हूँ, हेल्प एंड फीडबैक। यहाँ पर सर्च में लिख लेता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ। यहाँ पर जिस यूट्यूब का पेज आ गया, यहाँ पर एक बार वन टाइम टैप करूँगा। वन टाइम टैप करने के बाद ये यूट्यूब, फिर से यहाँ पर जो थ्री डॉट है यहाँ पर टैप करूँगा। और यहाँ पर जो शेयर का ऑप्शन है यहाँ पर टैप करूँगा। यहाँ पर लिंक ओपन हो गए, इस पर टैप करूँगा। ये गूगल का पेज ओपन हो गया, गूगल एप्लीकेशन ओपन हो गया। इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो यूज़र होता है, यूज़र प्रोफाइल, यहाँ पर आपको टैप करना है। उसके बाद आपको टर्म्स एंड पॉलिसी पे आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको ब्राउज़र सेलेक्ट करने का आएगा। यहाँ पर मैं ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ब्राउज़र सेलेक्ट करने के बाद अलाउ, ओके। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है। यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना है www.google.com। ओके, यहाँ पर गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको एपेक्स लॉन्चर, यहाँ पर एपेक्स लॉन्चर एपीके फाइल आपको डाउनलोड करनी है। एपेक्स लॉन्चर एपीके, ओके। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको चेक करना है तो। यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ एपेक्स लॉन्चर, फिर यहाँ पर डाउनलोड पे टैप कर लेना है। यहाँ पर फिर ओके कर देता हूँ। ये स्टार्टिंग टू डाउनलोड लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर थ्री डॉट है, यहाँ पर डाउनलोड मैनेज डाउनलोड लिखा हुआ है। इसी के वेटिंग टू कनेक्ट हो रहा है, डाउनलोड हो रही है एप्लीकेशन। अब जैसे स्क्रीन के ऊपर आ गया, यहाँ पर आपको सेटिंग पे टैप कर देना है। सेटिंग पे जाके यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इसे ओके कर देना है। वापस बैक करना है, वापस पे टैप करना है एपीके फाइल पे। अब इंस्टॉल आ गया ऑप्शन, इंस्टॉल हो रही है एप्लीकेशन। ये इंस्टॉल हो चुकी है, फिर इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हम
एपेक्स सेटिंग, मैंने एपेक्स सेटिंग लिखा हुआ है, हमें फ़ोन की सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर टैप करता हूँ और यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर सेटिंग आ गई। यहाँ पर अबाउट फ़ोन में जाना है, यहाँ पर डेवलपर फ़ोन डेवलपर ऑन करना है। तो डेवलपर यहाँ पर आप, यहाँ पर आप एम यू आई वर्ज़न है 9.5, वहाँ पर आपको टेप करना है। 7 वर्ड यहाँ पर देखिए, यू आर डेवलपर नाउ ऑन हो गया है। यहाँ पर उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन में आपको यहाँ पर ओ ई एम अनलॉकिंग दिखेगा। ये रहा है यहाँ पर ऑप्शन, ओ ई एम अनलॉकिंग दिख रहा है, उसे लॉन्ग टैप करना है, उसे ऑन कर देना है। अब वापस बैक करिए और डेवलपर ऑप्शन में जाइए और आप देख कर कन्फर्म करें कि ये ऑन ही होना चाहिए। ओके, ऑन ही, ये अगर ऑन है तो आपका फिर मोबाइल ये सक्सेसफुली गूगल अकाउंट बाईपास हो चुका है, ये गूगल अकाउंट नहीं पूछेगा। और अब आप सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर टैप कर लीजिए, यहाँ पर आपको रिस्टार्ट करने का बोलेगा, टर्न ऑफ रिबूट, और आपका गूगल अकाउंट बाईपास सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये तरीका गूगल जो जीमेल अकाउंट होता है उसे बाईपास करने का तरीका है। अगर आपका मोबाइल अगर आप फॉर्मेट करते हैं तो उसके बाद जो गूगल अकाउंट आता है तो आप इस तरह से बाईपास कर सकते हैं। अगर एमआई अकाउंट आता है तो उसके अंदर जो मोबाइल नंबर वगैरह आप रजिस्टर करते हैं आप उससे भी कर सकते हैं, उसका अलग प्रोसेस आता है। वैसे अगर वो भी लॉक लगा हुआ है तो ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप मोबाइल नंबर अपना एंटर कर लीजिए, एमआई अकाउंट के अंदर जो एंटर किया हुआ है, और आप सिंपली से बाईपास कर सकते हैं अपना एमआई अकाउंट भी। अभी गूगल अकाउंट बाईपास देखते हैं, अभी स्किप स्टेप। तो आज के लिए ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सेटअप अ न्यू फोन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और गूगल अकाउंट के अंदर, यहाँ पर देखिए स्किप का ऑप्शन आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।